आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हास्य जीवन के बारे में जानेंगे। वेदांत केसरी सद्गुरु श्री मल्लिकार्जुन महास्वामी जी आध्यात्मिक प्रवचन करने से पहले ब्रह्मचिंतना आत्मचिंतन में तल्लीन होकर जिस विषय में प्रवचन देते थे उस विषय में मनन चिंतन करके प्रवचन में भक्तों को आत्मानुभूति का अनुभव करवाते थे। स्वामी जी प्रवचन कहते कहते बीच में काफी देर तक हंसते और सभी जिज्ञासुओं को खूब हंसाते थे। इससे स्वामी जी और सभी जिज्ञासु अलौकिक आनंद में डूब जाते थे। स्वामी जी नवरस भरित से प्रवचन देते थे। इसमें हास्य रस सभी को पसंद होता है। स्वामी जी के पास कोई भक्त चिंता तनाव दुख परेशानी में आता तो स्वामी जी भक्त की मनस्थिति समझकर उसकी समस्या का हल करके खूब हंसते हंसाते भक्तों को प्रसन्न करके भेजते थे। भक्त सभी से कहते थे, स्वामी जी के पास जाने से सांसारिक दुख का ताप परेशानी दूर होकर आध्यात्मिक सुख संतोष प्राप्त होता है। ये स्वामी जी के पास आध्यात्मिक अद्भुत कला शक्ति थी। स्वामी जी कहते थे, हंसने हंसाने से शरीर मन मस्तिष्क स्वस्थ होता है। हंसते समय व्यक्ति सभी दुखों को भूल जाता है। हंसने से चेहरे पर सुंदरता आती है और भूख लगती है, रक्तचाप ठीक होता है, हार्ट की समस्या नहीं होती है, आयु वृद्धि होती है। हंसने वाले लोगों से सभी स्नेह करते हैं। हंसना आरोग्य का लक्षण है। स्वामी जी सदैव प्रसन्न और खुश रहते थे और सभी से कहते थे, सदैव खुश रहो, हंसते हंसाते रहो। मानव कुल के लिए हंसना प्राकृतिक उपहार है। हर समस्या कष्ट परेशानी में हंसना चाहिए। जीवन में कितने भी धन दौलत संपत्ति हो, हंसना नहीं तो जीवन व्यर्थ है। इसीलिए जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो, आनंद से रहो। वेदांत केसरी सद्गुरु श्री मल्लिकार्जुन महास्वामी जी के 118वें जयंतोत्सव के पावन शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।